नाफेड द्वारा बड़ा घोटाला करने की बात सामने आ रही है। यहाँ किसानों से ग्रेट कम की बात कहकर तुअर नहीं ली जा रही है। इसके बाद बाहर बिचौली वही तुअर कम दाम में खरीद कर नाफेड को दे रहे हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। विदिशा जिले का एकमात्र तुअर खरीदी केंद्र गंज बसौदा को बनाया गया है, जिसमें मार्केटिंग सोसाइटी के माध्यम से नाफेड द्वारा भारत सरकार की किसानों से तुअर खरीदी का काम चल रहा है, जिसमें मार्केटिंग के मैनेजर एवं मार्केटिंग के अध्यक्ष तथा नाफेड के सुपरवाइजर द्वारा करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। जिसमें जब किसान अपनी तुअर लेकर खरीदी केंद्र पहुंचता है तो नाफेड का सुपरवाइजर एवं मार्केटिंग के कर्मचारी उस तुअर को यह कहकर वापस कर देते हैं कि यह तुअर AFAQ ग्रेड की नहीं है। और जब यह तुअर मजबूर किसान इनके द्वारा सेट किए गए बिचौलियों को बेच देता है तो वही तुअर उसी केंद्र पर तुअर तुल जाती है और उसकी बिक्री उन बिचौलियों किसानों की बता दी जाती है जिन्होंने अपने जमीन में तुअर बोई ही नहीं। इसमें शुरुआती स्तर में कुछ समस्याएं आई थी, जो अधिकारी हैं वहाँ के उन्होंने भी ये बताया था व्यारा उसके कि कुछ किसान उसमें दबाव बना रहे हैं कि इसमें जो FAQ से लो क्वालिटी का तुअर है वो खरीदा जाए। हमने तहसीलदार से विधिवत जाँच कराई है और उसमें TI साहब वगैरह भी गए थे, कुछ न्यूसेंस क्रिएट हो रहा था, तो अब स्थिति ठीक है वहाँ पर और FAQ की भी जांच कराई थी तो वो ठीक स्तर पर पाया गया। 505 किसानों से 12,203 क्विंटल 38 किलो तुअर खरीदी है, जिसमें समस्त जिले के कृषक शामिल हैं। इसमें कितने मूल्य का ये तुअर खरीदा गया होगा? 4625 उसका नेगेट मूल्य है और 425 उसको बोनस है, इस प्रकार कुल मिला के 5050 टोटल मूल्य पर क्विंटल प्रति क्विंटल बिक्र हुआ है बाजार में। मंडी के रेट हैं 4400 से 5000, अच्छा माल मिला है क्योंकि अपन ने जो भी क्वालिटी खरीदी है सर्वेयर के पास होने के बाद ही अपन ने खरीदी है, उसी माल को अपन में वेयरहाउस में भंडारण कराया है।